जी, मेरे मन में जो है सेक्स से रिलेटेड बहुत थॉट्स आते हैं, तो उनपे कैसे कम करें या कंट्रोल कर सकते हैं? जिंदगी यूं ही छोटी है, उसमें किसी ऐसे काम के लिए तुम समय कहाँ से निकाल रहे हो जो तुमको पता है कि थोड़ी देर की उत्तेजना के अलावा तुम्हें कुछ नहीं देगा। समय यूं ही कम है तुम्हारे पास, उसमें से भी तुमने समय थोड़े देर के मसाले को दे दिया, अब क्या होगा? समय और कम बचेगा ना। सेक्स में कोई बुराई नहीं थी अगर उससे तुमको मुक्ति मिल जाती। सेक्स के माध्यम से कह रहा हूं, अगर सेक्स के माध्यम से तुमको तुम्हारे दुखों से, तुम्हारे बंधनों से मुक्ति मिलती होती तो मैं कहता तुम सेक्स के अलावा कुछ करो ही मत। तुम दिन रात अपनी वासना को ही पूरे करने में मगन रहो, लेकिन ऐसा होता है क्या? अरे सब यहां वयस्क बैठे हैं, प्रौढ़ हैं, चढ़ी उम्र के लोग हैं, सब अनुभवी हैं, कुछ बोलिए, ऐसा होता है कि तुम जो यौन कृत्य होता है उसमें 50 बार संलग्न हो जाओ, कि 500 बार, कि 5,000 बार, ऐसा होता है कि अब अंत आ गया, अब इसके बाद किसी उत्तेजना की कोई आवश्यकता नहीं, पार पहुंच गए, ऐसा होता है? या ऐसा होता है कि जो अधूरापन पहली बार था, जो अधूरापन 20वीं बार था, जो अधूरापन 200वीं बार था, वही अधूरापन तो कभी ना कभी तो तुम्हें ईमानदारी से इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा ना कि भाई यहां बात बन नहीं रही है, इस दुकान का माल खरा नहीं है, बहुत आजमा लिया यहां, या तो तुम नए नवेले बिल्कुल छैल छबीले होते 15 की उम्र के, और तुम कहते कि साहब हमने दुनिया का कुछ अनुभव लिया नहीं, हम बिना जाने किसी चीज का त्याग कैसे कर दें, उतने छोटे तो हो नहीं, दुनिया को भी देख लिया, तमाम तरह की इच्छाओं में लिप्त होकर देख लिया, वहां चैन मिल जाता हो तो चले जाओ उधर, और चैन ना मिलता हो ये जानते हुए भी उधर जा रहे हो तो स्वयं को ही धोखा दे रहे हो, फिर तुम्हारा कौन भला कर सकता है? सही काम करने के लिए भी जीवन बहुत छोटा है, तो व्यर्थ काम करने के लिए तुमने हम समय कहां से निकाला? चोरी करी ना, जो समय जाना चाहिए था किसी सार्थक दिशा में उसको तुमने लगा दिया वासना की सेवा में, चोरी करी कि नहीं करी? तो जो लोग इस तरह के उपद्रवों से परेशान हो कि वासना सताती है, गुस्सा सताता है, लालच या कुछ भी, कोई नशा सताता है, उनके लिए समाधान सिर्फ एक है, अपने जीवन को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपने दोनों हाथों को, अपने सारे संसाधनों को पूरे तरीके से झोंक दो किसी सच्चे उद्यम में, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। तुम्हारे शरीर की निर्मिति ही ऐसी है कि वासना इसको सताएगी, वासना के बीज इसी में मौजूद हैं, तुम सिर्फ ये कर सकते हो कि जब वासना सताए तो तुम उससे बोलो ओ स्त्री कल आना,
क्या करना, कल आना। पिक्चर ने बताया था, वो कहानी भी मध्य प्रदेश के ही किसी गांव की थी, वो स्त्री कल आना। तुम उसे ये नहीं कह सकते कि मत आना, क्योंकि लौट के तो वो आएगी। क्यों आएगी लौट के? क्योंकि वो तुम्हारी देह में ही निवास करती है। शरीर की एक एक कोशिका आत्म संरक्षण के लिए तत्पर है। उसे न सिर्फ अपने आप को बचाना है, बल्कि अपने आप को बढ़ाना है। संरक्षण ही नहीं करना है, संवर्धन भी करना है। एक कोशिका कहती है मैं कई गुनी हो जाऊं, यही तो वासना है, और क्या है। जब वासना आए तुम कहो मैं अभी व्यस्त हूं, वो वासना कल आना। और कहां व्यस्त हो तुम? तुम किसी महत् प्रयोजन में समर्पित हो। तुम कोई ऊंचा काम कर रहे हो, तुम कोई मीठा काम कर रहे हो, तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो कि तुम्हें फुर्सत नहीं। किसी भी तरह के आवेग का झोंका आया, तुमने अनुभव किया, लेकिन तुमने उससे कहा थोड़ी देर बाद, अभी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो छोड़ा नहीं जा सकता, बेशकीमती है। देखो माफ करना, अभी हम मंदिर में हैं, पूजा से उठ नहीं पाएंगे। देखो माफ करना, अभी हम किसी ऊंचे भवन का निर्माण कर रहे हैं, काम से उठ नहीं पाएंगे, थोड़ी देर में आना ना। और तुम कहोगे थोड़ी देर में आना, वो थोड़ी देर में लौट कर आएगी। जब वो लौट कर आए, तुम्हें पुनः व्यस्त पाए, और तुम उससे फिर कहो वो स्त्री कल आना, और कोई तरीका नहीं। शब्द समझो वासना। कभी तुमने पूछा नहीं, वासना तो ठीक है, वास कहां करती है? जो तुम में वास करे सो वासना, जिसका तुम में वास हो सो वासना। उसकी हत्या नहीं कर सकते तुम, क्योंकि उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है। तुम्हारे ही शरीर का नाम है वासना। तुम्हारा शरीर काम वासना का उत्पाद है, और तुम्हारा शरीर लगातार अपनी सुरक्षा हेतु और अपने प्रसार हेतु तत्पर है, आतुर है। इसी का नाम काम वासना है। शरीर की अपनी कुछ मांगे हैं, शरीर के अपने ढर्रे हैं, शरीर के अपने इरादे हैं। तुम शरीर से जरा भिन्न हो अजितेश, तुम्हारा इरादा कुछ और है, शरीर का इरादा कुछ और है। तुम हो एक अधूरी अहम वृत्ति, जो अपने होने से परेशान है, जो मिट जाना चाहती है। शरीर है प्रकृति का यंत्र और प्रकृति का उत्पाद, जो अपने होने को बचाए रखना चाहता है। तुम देख रहे हो तुम दोनों के इरादों में कितना फर्क है। शरीर की हसरत है बचा रहूं, और तुम्हारी गहरी हसरत है मिट जाऊं। अब बात कैसे बनेगी, कैसे बनेगी बोलो। अब बताओ तुम्हें किसकी हसरत पूरी करनी है, अपनी या शरीर की? जल्दी बोलो।
तुम और शरीर एक नहीं है, हालांकि तुमने उससे नाता बहुत गहरा जोड़ लिया है, पर फिर भी दोनों अलग अलग हो, दोनों की दिशाओं में बड़ा अंतर है। और जो बात मैं कह रहा हूं वो समझने के लिए बहुत गहरा अध्यात्म नहीं चाहिए, बचपन से ही तुम्हारा अनुभव रहा है, तुम पढ़ने बैठते तो तुम्हें नींद आ जाती थी, देख नहीं रहे हो अंतर। निश्चित रूप से शरीर अपनी ही चलाता है, कोई है तुम्हारे भीतर जो कह रहा है पढ़ाई करो और शरीर कह रहा है मुझे तो सोना है। जिन्होंने व्रत उपवास रखे हों वो खुली बात जानते होंगे बिल्कुल। एक और कोई चेतना है जो कह रही है आज निराहार रहना है, और दूसरी ओर शरीर है जो कह रहा है कुछ खा ही ले, देख नहीं रहे हो, शरीर के इरादे हमेशा दूसरे होते हैं। और कितनी ही बार तुमने गलत पक्ष का समर्थन किया है, कितनी ही बार तुमने शरीर को जिताया है, कितनी ही बार हुआ है ना कि तुमने व्रत उपवास में भी धांधली कर दी है, चलो खुद नहीं करी तो किसी को करते देखा होगा। कि गए एक लड्डू, थोड़ा सा पानी, शरीर 70% जल ही तो है, थोड़ा सा पी लिया तो अधर्म थोड़े ही हो गया। सुबह ट्रेन पकड़नी है और शरीर कह रहा है रजाई इससे प्यारा कुछ होता नहीं, कौन बाहर निकले, ये सब देखा है या नहीं देखा है? देख नहीं रहे हो कि शरीर को इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि तुम ट्रेन पकड़ो या ना पकड़ो, उसको मतलब बस एक बात से है, आराम मिलना चाहिए। आराम माने सुरक्षा, मस्त पड़े हुए कौन ठंड में बाहर निकले, दौड़ लगाए प्लेटफॉर्म तक जाए, कौन ये सब झंझट करे। इसको आराम दे दो, इसको रोटी दे दो, और इसको सेक्स दे दो, इसके अलावा इसे कुछ चाहिए नहीं, ना इसको ज्ञान चाहिए, ना इसे मुक्ति चाहिए, ना इसे भक्ति चाहिए। अब बताओ ऐसे का साथ देना है, कोई तुम्हारे पड़ोस में रहता हो जिसको न ज्ञान चाहिए न भक्ति चाहिए न मुक्ति चाहिए, उसका साथ दोगे? तुम्हारे पड़ोस में कोई आ गया है, उसको सिर्फ खाना है, सोना है और मैथुन करना है, इन तीन के अलावा उसे कुछ करना ही नहीं, उसका साथ दोगे, उससे दोस्ती रखोगे? इसी पड़ोसी का नाम है शरीर। अब क्या करो तुम, वो आ गया पड़ोस में तो कुछ तो उससे नाता बनी गया है, पर जितना कम नाता रखो उतना अच्छा। शरीर को पड़ोसी की तरह ही रखो, जरा दूरी बना के, सर पर मत चढ़ा लो उसको। अब तुम कुछ काम कर रहे हो, ये पड़ोसी आ गया, घंटी मार रहा है, घुसना चाहता है, क्या जवाब देना है? वो पड़ोसी कल आना, वो पड़ोसी कल आना, अब वो कल फिर आएगा क्योंकि बसा तो वो पड़ोस में ही है। मानव जन्म लिया है तुमने तो ये दुर्भाग्य है तुम्हारा कि शरीर हमेशा अगल बगल ही रहेगा, पर उसे पड़ोसी ही रहने देना,
उसे घर का सदस्य मत बना लेना। शरीर की अपनी वृत्तियां हैं, चूंकि उसे सुरक्षा चाहिए इसीलिए उसमें मालकियत की बड़ी मांग रहती है। ये जो तुम में ईर्ष्या आदि उठते हैं, इनको भी मानसिक मत समझ लेना, ये भी करतूतें शरीर की ही हैं, जिसको तुम मन कहते हो वो भी शरीर से अलग नहीं है। मन भी शरीर के रोए रोए में वास करता है। भ्रम, तुलना, हिंसा, ये सब किसी बच्चे को सीखने नहीं पड़ते, ये उसके शरीर में ही निहित होते हैं, इसीलिए पशुओं में भी पाए जाते हैं। तुम्हारा मस्तिष्क ही नहीं, तुम्हारे सर के बाल भी ईर्ष्या में पगे हुए हैं। ये सब भावनाएं, ये सब वृत्तियां जिस्मानी हैं। इन सबको यही कहना है, ओ ईर्ष्या कल आना, ओ मोह, ओ क्रोध, यही तो चीजें हैं जो हमें जानवरों से जोड़ती हैं। जानवरों को भी क्रोध आता है, जानवरों को भी मोह रहता है, जानवरों को भी ममता रहती है। हां, जानवरों को बोध नहीं रहता, जिस्म का बोध से कोई लेना देना नहीं। रोज शरीर लेकिन जीते ही जा रहा, तुम जिता रहे हो, वो नहीं जीतेगा। वो अधिक से अधिक तुम्हारे दरवाजे पर घंटी बजा सकता है। ये तुम्हारा निर्णय होता है कि तुम दरवाजा खोल दो और आगंतुक को भीतर स्थान दे दो। नहीं तो ये भी हो सकता है कि दरवाजे की झिर्री से तुम उससे कहो कल आना। ये मत कहो शरीर जीत रहा है, ये कहो कि तुम रस ले रहे हो शरीर को जिताने में। स्त्री भी बस पीछे से आवाज देती थी, मुड़ के देखोगे या नहीं देखोगे ये तुम तय करते थे। अब बताने वाले तुमको बता गए थे कि बचने का तरीका है, जब आवाज दे मुड़ के देखना मत। पर वो आवाज में ही कुछ ऐसी मिठास, कुछ ऐसी कशिश होती है कि मुड़ ही जाते हो। उसके बाद न जाने कहां नंग धड़ंग कैद में पड़े हुए हो, याद है ना कहानी? आवाज आई नहीं कि मुड़ के देख लिया तुरंत। ये नहीं कि अपना काम करो। अब एक बात बताओ, कोई है जिससे वास्तविक प्रेम है तुम्हें, और उसकी तरफ चले जा रहे हो तुम, दौड़े जा रहे हो तुम, और पीछे से तभी तुम्हें आवाज आती है, अजितेश, मुड़ के देखोगे क्या? यही तुम्हें तब से समझा रहा हूं। ये जो स्त्री है जिसका नाम देह है, इसके चक्कर में पड़ते ही वही है जिनके पास जीवन में कोई सार्थक काम, कोई सार्थक लक्ष्य नहीं होता। तुम्हारे जीवन में वास्तविक प्रेम हो तो बुलाती रहे पीछे से, तुम मुड़के ही नहीं देखोगे।
यही बात तुम्हें परेश ने समझाई, तुम्हें समय कहाँ से मिला? तुम लगे हुए हो किसी सार्थक उद्यम में, वो देती रहेगी पीछे से आवाज, तुम्हें सुनाई ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें पता है तुम्हें किस दिशा जाना है, तुम मुड़के ही नहीं देखोगे, मुड़के वही देखते हैं जो यूं ही टहल रहे होते हैं, जो पेड़ से टूटे हुए पत्ते होते हैं, जिनका न ठौर न ठिकाना, जो कहीं के नहीं है, जिनको हवा जिधर को ले जाए बस ले ही जाए, वो मुड़ के देख लेंगे। कोई भी कीमती काम सोच लो, चलो चाहे यही सोच लो कि कोई प्रियजन अस्पताल में भर्ती है और तुम उसको देखने के लिए दौड़े जा रहे हो और पीछे से आवाज आती है, अजितेश तुम रुकोगे क्या? तुम्हारे पास दवाइयां हैं, बहुत आवश्यक है कि अभी जो तुम कर रहे हो उसको पूरा करो। तुम रुकोगे? नहीं रुकोगे। कौन है जो रुक जाता है? कौन है जो उस पड़ोसी की, जो उस वासना की आवाज पर मुड़कर पीछे देखता है? वही जो व्यर्थ टहल रहा है, मटरगश्ती कर रहा है। व्यर्थ मत टहलो, मटरगश्ती मत करो, जीवन के पल पल को ऊंचे से ऊंचे काम से आपूरित रखो, भरा हुआ। खाली हो ही नहीं तुम, जो खाली होगा वो फंसेगा। चंदेरी पुराण में ये नियम नहीं था, ये मैं बता रहा हूं। जो खाली होगा वो फंसेगा, और जीवन बहुत छोटा है, खाली रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम तो पूरी जान से, पूरी ताकत से अपने जीवन के कोने कोने को भर दो। सच्चाई के नाम से, सुधार के नाम से, राम के काम से, जो भी तुम्हें ऊंचे से ऊंचा उपक्रम मिले उसके सामने बिक जाओ, उसी के हो जाओ, क्योंकि अगर उसके नहीं होगे तो किसके हो जाओगे? कोई ना कोई तो तुम्हें खींच ले ही जाएगा। राम से नहीं खींचोगे तो काम से खींचोगे। ये मत कहना कि किसी से नहीं खींचोगे, वो व्यर्थ की कपोल कल्पना है, वो नहीं होने वाली। और उस कल्पना पर भी बहुत लोग चलते हैं, वो कहते हैं नहीं साहब हम किसी के नहीं होंगे, वो संभव नहीं है, मनुष्य को वो विकल्प उपलब्ध ही नहीं है। जो राम का नहीं है समझ लो काम का है, और जिसको काम का नहीं होना उसको एक ही उपाय है, राम का हो जाए, खाली बैठे ही नहीं। जब वो आए तो बोले हम व्यस्त हैं। कहां व्यस्त हो? हम राम की सेवा में व्यस्त हैं। और राम की सेवा का मतलब भजन कीर्तन आरती मात्र ही नहीं होता, कोई भी ऐसा काम जो अहंता से ना उठा हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें तुम्हारे स्वार्थ ही न शामिल हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें करुणा हो, जिसमें दूसरों की भलाई हो, जिसमें रचनात्मकता हो, जिसमें संगीत हो, ये सब राम के काम है। राम के काम से मेरा आशय मात्र उन कामों से नहीं है जो धार्मिक माने जाते हैं। गणितज्ञ हो तुम और गणित में गहरे बैठ जाते हो, ये राम का ही काम है। कलाकार हो तुम और सुंदर कलाकृति बनाते हो या संगीत रचते हो, ये राम का ही काम है। राजनेता हो तुम
और साफ राजनीति करते हो, ये राम का ही काम है। खिलाड़ी हो तुम, और अपने आप को पूरी तरह झोंक कर खेलते हो, ये राम का ही काम है। और झोंक कर अपने आप को खेल रहे हो, कहां फुर्सत होगी तुम्हें फिर कि इधर उधर की व्यर्थताओं में लिप्त हो जाओ। अच्छा, यदि काम ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो बेटा, वो काम कभी दूर का नहीं होता। उस काम को पाने का सीधा तरीका होता है कि आज और अभी तुम्हारे सामने तुलनात्मक रूप से अपेक्षतया जो भी ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य उपलब्ध हो उसको पकड़ लो। हो सकता है आज जो तुम्हें ऊंचा लग रहा है कल तुम्हें नीचा लगे, पर आज तो तुम्हारे सामने वही उच्चतम विकल्प है ना, तो तुम उसी को पकड़ लो, उसको पकड़ लो, और ये तैयार रहो कि कल इससे ऊंचा कुछ मिला तो उसके हो जाएंगे। पर अभी बैठे बैठे इंतजार मत करो, ये मत कहो कि जब उच्चतम मिलेगा सिर्फ तब हम पहला कदम उठाएंगे। अगर इंतजार करोगे तो ये इंतजारी जीवन भर की हो जाएगी। भाई अभी तुम अपने सामने मान लो 5 विकल्प देखते हो कि मेरे पास करने के लिए जीने के लिए 5 रास्ते हैं, इन 5 रास्तों में तुलनात्मक रूप से जो एक रास्ता तुम्हें शुद्धतम और उच्चतम लगे उस पर चल दो, उसको सीढ़ी का एक पायदान मानना, उस पर कदम रखोगे तो अगला कदम रखने की हैसियत और दृष्टि मिल जाएगी, और ऐसे ही और ऐसे ही और ऐसे ही और ऐसे ही तुम सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे। पर यह कहो सीधे कि मुझे तो उछल के आसमान चूम लेना है, तो वो कभी होने नहीं वाला। यहां तो कदम दर कदम ही यात्रा होनी है, सोपान दर सोपान ही चढ़ाई होनी है।